सुबह सुबह राइड करने के यही मजे कैक्टस कूट के डाले हुए तभी कहते हैं अपना कैमरा ले ले देखो दे मैं बैठूं मस्ती चढ़ी देखो दे तो आज की राइड स्टार्ट हो चुकी है अभी सुबह के 5:20 हो रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं काशीपुर से पिथौरागढ़ टनकपुर वाली रोड से। हाँ रुक जा मैं देखता हूँ काशीपुर में बीच में पेट्रोल पंप तो मिला है नहीं है भाई नहीं है भैया ने चिल्ला के बता दिया आगे होगा आगे चलो फिर आगे तो ये हमने लेफ्ट लिया हाईवे के लिए नेशनल हाईवे स्टार्ट हो गया ये और सनराइज देखो यार कितना प्यारा लग रहा है सुबह सुबह राइड करने के यही मजे हैं और पेट्रोल पंप अभी तक नहीं मिला उसमें रेंज 39 किलोमीटर दिखा रहा है अभी होप सो मिल जाए तब तक। तो मैंने अपना प्लान तो बताया नहीं राइड का कि क्या होने वाला है कहाँ जाने वाले हैं एग्जैक्टली तो प्लान कुछ ऐसा है आज हम जाएंगे पिथौरागढ़ वहाँ पे स्टे करेंगे पिथौरागढ़ से कल जाएंगे धारचूला और धारचूला से हमारा प्लान है कि ओम पर्वत और आदि कैलाश कवर करें। कल मेरी एक वहाँ के लोकल बंदे से बात हुई थी धारचूला में तो उसने बताया था कि अभी ओम पर्वत और आदि कैलाश रूट बंद हो रखे हैं तो एक बार वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फाइनली इंडियन ऑयल का बोर्ड दिख गया फुल कर दो पेट्रोल अपना हो गया फुल टनकपुर अभी यहाँ से 50 किलोमीटर और है और ये बोर्ड में टनकपुर सीधा खटीमा 25 टनकपुर 51 चंपावत 135 सितारगंज पहुँच गए हम। फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए शायद कैमरे में भी दिख रहे होंगे पिथौरागढ़ यहाँ से 147 है और चंपावत 74 अब थोड़ा राइड करने में मज़ा आएगा पहाड़ स्टार्ट होने वाला है बट वेदर अभी भी गर्म ही है अभी बीच में थोड़ा सा कुछ खाने वाने रुकेंगे बस उसके बाद सीधा चल देंगे पिथौरागढ़ को। पहाड़ों में आके ना बाइक चलाने का मज़ा अलग ही हो जाता है बस थोड़ा सा मौसम थोड़ा और अच्छा होता ना तो क्या बात थी। अभी रुके हैं यहाँ पे खाना खाने और ऑर्डर करा था पहाड़ी छोले और रायता कैसा है भाई मत खाना भाई कभी मत खाना जगह पे तो कभी मत खाना इसमें पता नहीं क्या मिला रखा है गले में ऐसा लग रहा है और वो बोल रहा है राई मिलाई है मुझे तो लग रहा है कैक्टस कूट के डाले हुए हेलो फ्रेंड्स मिर्ची खा लो वापस करा दो पराठे के साथ अब ऑर्डर करा है पराठा और ये इसके साथ फ्री में मिली हैं सब्जियां थोड़ी ये कैसा है पराठा तो अच्छा सही है छोले खा सकते हैं पराठे के साथ तू ही खाइयो ये जगह है सिन्यारी और ये है चौड़ा कोटी रेस्टोरेंट यहाँ खाने के लिए रुकोगे तो पराठा खा सकते हो बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च थी तो मैंने तो प्लेन रोटी और दाल खाई। निकलते हैं अभी यहाँ से
चार साढ़े चार घंटे लगेंगे और पिथौरागढ़ के, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता ना तो राइड करने के और मज़े आते, बट ठीक है चलेगा, आगे जाके फिर हमें मौसम अच्छा ही मिलना है। और अगर ओम पर्वत तक चले गए हो सकता है वहाँ पे स्नोफॉल भी मिले। लास्ट ईयर इसी टाइम हम दोनों ने सचपास करा था और सचपास में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल मिली थी हमें, और दो तीन बार तो मेरी बाइक भी गिरी थी। वो ब्लॉग चेक कर सकते हो ऊपर आई बटन। ओके कैसा लग रहा है कैरफ्यू में उस साइड होके? पता नहीं उस साइड भी कहाँ देखा लोगों ने। चलो इसमें ये बैग तो नहीं आगे आ जाएगा? हाँ जी हाँ जी, ये क्या है? कैमरा है, रिकॉर्डिंग भी करेगा। हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी आवाज़ भी। तो आते कहाँ से सर? कुछ आपका कोई यहाँ जैसे? अभी तो हम गुड़गांव दिल्ली से आए। दिल्ली से यहाँ रीठा जा रहे हैं? पिथौरागढ़ जा रहे हैं। कोई काम जैसे घूमना ही होता है? नहीं नहीं घूमना ही, घूमना ही। आप घूमने के लिए आते? हाँ हाँ हाँ। एक तो फैंस मिल जाते हैं ना यार हर जगह, मतलब क्या करें, बहुत टफ है लाइफ, बहुत टफ है। अरे मौसम बदल गया यहाँ तो एकदम से, जज्बात बदल दिए एकदम से। ये आगे केयर फ्री ह्यूमन जा रहा है, इसका मैंने हेलमेट मार लिया क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, हम भी देखें कैसा लगता है। ये जा रहा है वो लड़का, यही है वो लड़का। चलो अब हम थोड़ी देर आगे चलते हैं, बढ़िया सी ड्राइव करते हैं कुछ। ये हमारा प्यारा बुलेट, इसने भाई बहुत साथ दिया है, बहुत कहाँ कहाँ ले गया, क्या क्या दिखा दिया। बकरी डिनर, ये डिनर। ओए होए होए, बादल हो रहे हैं तो धूप बीच बीच में कहीं बंद हो रही है कहीं आ रही है, लेकिन हवा बहुत ठंडी होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। और ये कैरफ्री ह्यूमन साला, इसकी बाइक को देखते हैं बहुत लोग यार, मेरी बेचारी इसको कोई देखता ही नहीं है। सामने देखो भाई सामने, ओहो यहाँ देखो कैसी कलपती धूप हो रही है। ये देखो दे मैं मस्ती चढ़ी, देखो आज नहीं आते हैं ये लोग, देखो डू नॉट ट्राई दिस एट होम गाइज। बताओ ये देखो कहाँ ब्रेक मार के खड़े हैं भाई साहब, अल्लाह जी फोन पे लगे हुए हैं। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, क्या नजारा है भाई गॉड। मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है, धूप का नाम और निशान नहीं, और हमें अब अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है धूप में। ये तो भाई पता नहीं राइडिंग जैकेट डाल के कैसे चला लेते हैं भाई, मैं तो शर्ट में घूम रहा हूँ भाई, बिल्कुल ड्रीमी सा रास्ता है जैसे मूवीज वूवीज में नहीं देखते, या कभी कोई रेस ट्रैक्स होते हैं बिल्कुल पतले पतले से, बिल्कुल वैसा सा लग रहा है।
अरे कोई पिथौरागढ़ पहुंचा दो भाई, ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा है रास्ता। और यहाँ मुझे लगता है शायद बारिश का माहौल है, सड़क बिल्कुल गीली है, बट भाई क्या ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, लोग भीग भीग के आ रहे हैं भाई साहब, घने जंगल शुरू हो चुके हैं। शुरू भैया हम मर जाएंगे, ओ, एक तो ठंड ऊपर से बारिश, चलो कोई नहीं, ये भी अपना ही फन है। इसकी बाइक देना, पानी मेरे मुंह तक गिरा रही है। और हम यहाँ चाय पीने रुके हैं, ये चंपावत कैमरा ये के, अरे कोई नहीं अभी कहते हैं अपना कैमरा ले ले। हाँ अभी ले लेंगे, अभी प्रैक्टिस चल रही है भाई, मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, तेरे को बोलेंगे लोग के आई एम डूइंग इट बेटर। हाँ ठीक है, तो जब मोनेटाइज हो जाएगा उसमें 10% देगा। तो वापस हेलमेट चेंज हो गए हैं, तो उसका हेलमेट उसके पास आ गया है और मेरा मेरे पास। निकलते हैं यहाँ से, चाय पीने रुके थे। और पिथौरागढ़ के लिए अभी लगेंगे 2 घंटे और। अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया 11, 10:56 हो रहे हैं और 5 बजे के करीब निकले हुए हैं हम घर से, तो अभी 2 घंटा और लगने वाला है। और चंपावत तो बहुत ही ब्यूटीफुल था है सिटी, तो अभी इससे पहले मेरा कैमरा और हेलमेट कनाल के पास था, वो व्लॉग कर रहा था, हमने सोचा थोड़ा चेंज करके व्लॉग करते हैं, कुछ उसकी दिल की बातें निकलें, कुछ मैं बताऊँगा, दिल की तो बात क्या ही निकली होगी उसकी कुछ। वो देखो भाई साहब, बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं, आई डोंट नो इसमें दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। गाइस लुक एट द व्यू, मतलब क्या मौसम हो रखा है यार। वेलकम टू लोहाघाट, लो जी लोहाघाट आ गए। पिथौरागढ़ यहाँ से राइट, और ये आ गया ब्रिज, नीचे रिवर है। ये पिथौरागढ़ से पहले मंदिर पड़ता है जय गुरना माता की, यहाँ पे हाथ जोड़ लेते हैं। ये मंदिर पड़ता है पिथौरागढ़ से थोड़ा सा पहले। तो दर्शन हो गए मंदिर के, पानी पी लिया भाई ने मीठा, हम निकलते हैं पिथौरागढ़ घर में, मनीष के घर में। सो फाइनली पिथौरागढ़ पहुंच गए, मौसम ठीक है, यहाँ पे गर्मी तो नहीं है, अभी मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखी है तो इसलिए थोड़ी सी लग रही है। और यहाँ से धारचूला 95 है,